पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़ कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत करेंगे। देखिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूँ मुस्कान। आपको बता दें कि आपको हमने बताया था कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज हत्या कर दी गई है, और इस हत्या को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया है कि जितेंद्र सहनी की हत्या कल रात ही हो चुकी थी। उनके घर के बाहर एक मोटरसाइकिल और एक अलमीरा बरामद हुआ है, उसकी जाँच हो रही है कि उसका केस से क्या लेना देना है। साथ ही FSL की टीम भी लगी हुई है, पटना से SIT की टीम भी रवाना हो चुकी है, डॉग स्क्वाड भी इस मामले में लगी हुई है। इस ये केस है जो काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, और देखने वाली बात होगी कि ये केस कहां तक जाएगा, इस केस में कौन कौन शामिल है, किसका किसका हाथ है, किससे दुश्मनी थी मुकेश सहनी की और जीतन सहनी की, जो जान लेने पे उतर पड़े हैं। आप भी देख सकते हैं, और इसमें जितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या सबूत हाथ लगे हैं, और क्या कुछ ये मंजिल, क्या कुछ ये घटना आगे दिखाएगा। तो आपको हम छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़ कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत करेंगे। देखिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी की हो सकती या नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे, ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है, तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है, 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो CCTV फुटेज में घर के पास लगा हुआ था उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत करेंगे। थैंक यू। हालांकि की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में VIP पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनकी, उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की संघ जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। FSL की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई है, तो वो बाइक किसकी है, मोबाइल मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहां से रवाना किया गया, वो भी घटना स्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक STF की टीम